चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भीषण गर्मी से बचने के लिए कई मतदाता सुबह सवेरे ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची और यशोदा वर्मा देवारीभाट मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची और मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने भी गिरघोली के मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर जारी है। मतदाताओं की संख्या 2,11,540 है। पुरुष मतदाता और महिला मतदाता इसमें हैं। और वहीं आपको बता दें कि 16 अप्रैल को आज जनता का जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया जाएगा। 16 अप्रैल को स्थिति साफ हो जाएगी कि खैरागढ़ की जमीन पर कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहेगा या बीजेपी गद्दी छीन लेगी। प्रदेश के बड़े दोनों दलों के दिग्गज नेताओं ने सियासी मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले 10 दिनों में जमकर प्रचार किया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दिग्गजों ने भी और आजमाइश यहां पर की थी और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्थिति यहां पर निर्मित होती है। तो चलिए, क्या कुछ ताजातरीन हालात है ये सभी हम समझने की कोशिश करेंगे। खैरागढ़ से हमारे साथ में सहयोगी आनंद नारायण ओझा जुड़ चुके हैं। आनंद, जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति, कितनी फीसदी अभी मतदान हो चुका है यहां पर? मतदान की बात करें तो 40% से अधिक मतदान हो चुका है और मतदान का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ग्रामीण इलाके में लोग घरों से काम करके या खेती बाड़ी से आते जा रहे हैं वैसे मतदान का रुझान बढ़ता जा रहा है और लगभग 4% तक अधिकारी जैसे दावा कर रहे हैं कि 70% से यानी 80% के बीच मतदान बढ़ जाएगा। अब मतदान के बीच कांग्रेस और बीजेपी के दावे अपने अपने हैं। सबका दावा है कि चुनाव जीतेंगे और इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं, दावे चल रहे हैं। लोग बैठ के गन्ना दुकानों पर चर्चा कर रहे हैं, होटलों पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी हमारे साथ खूबचंद पारख साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, चर्चा करते हैं किस प्रकार की तैयारी है, आप लोग क्या दावे हैं? अब तो जो दावे और प्रति दावे थे वो तो दौर खत्म हो गया, मतलब जनता के बीच जाने का। और अब मतदान जो हो रहा है, इतनी तपती धूप में भाजपा के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो जिस समर्पण के भाव से जुटे हुए हैं और अपने समर्थकों को निकाल निकाल कर वोटिंग करवा रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जनता का भी रुझान बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लोग घर से निकल रहे हैं और मतलब लोग एक बात कह रहे हैं, अरे भैया वो मन तो अभी भी पैसा बांटा थे, वो मन तो अभी भी सब साड़ी बांटा थे, ये बोलने के बाद भी बोलते हैं वो बांटा थे बांटन दे लेकिन जीती भाजपा ही, ये जनता के मुंह से शब्द निकल रहा है। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि हम हर हालत में इस चुनाव में जीतेंगे। दूसरा, उनके प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी की अगर तुलना की जाए तो यशोदा नीलांबर वर्मा और कोमल जंघेल में चर्चित चला हुआ और लोगों के बीच में किसी का बेटा, किसी का चाचा, किसी के मित्र का जो भाव कोमल के प्रति है लोगों का, वो स्वाभाविक पारिवारिक भाव यशोदा को लेकर नहीं है। अभी कांग्रेस का एक आपके इसी INH चैनल में बहस में अटल श्रीवास्तव जी थे, बोले हम 67, 68, 69 होते हुए 70 और 71 हो जाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता था, भाई विधानसभा में तुम जीते और लोकसभा में हम 67, 68 विधानसभा सीटों पर जीत कर आए, यानी जनता जनार्दन है, इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा। तुम जीते, फिर 2-3 महीने में लोकसभा हुआ, 11 में 10 सीटें हम जीत के आए, 67, 68 विधानसभाओं में हम जीते। 3 उपचुनाव आप किसी तरीके से उल्टा सीधा करके जीत गए जनता का, लेकिन इस ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी का ये स्वीकार नहीं करते कि कहीं मोदी है तो मुमकिन है, इसको स्वीकार नहीं करते। दूसरा चुनाव हुआ, अगर मोदी है मुमकिन नहीं होता तो 68 सीट तुम जीत गए थे तो बीजेपी 11 में 9 सीट कैसे जीतती? एक और डायलॉग चल रहा है, कका भी जिंदा है, अब 71 करेंगे, वो तमाम तरह के उल्लू भी तो मेहनत कर रहे हैं, तो उसको किस रूप में देख रहे हैं? लगातार बोल रहे हैं सड़क हम बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो नए जिला बन रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? अरे भैया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो इनका जन घोषणा पत्र था, वचन पत्र था, टोटल झूठा साबित हुआ है। किसी भी आदमी से पूछोगे तो बता रहे हैं 2500 का धान तड़फा तड़फा के पैसा देते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 किस्तों में पैसा देते हैं,
चलिए, तो कुल मिलाकर बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही है। आनंद बने रहिएगा हमारे साथ में। तो यहाँ आपको बता दें कि खैरागढ़ से सीधे हमारे साथ में दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, अक्षय और आनंद नारायण ओझा। और आनंद से हमने जुड़कर उनसे जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, कैसी क्या कुछ स्थिति है। चलिए अब रुख करते हैं अक्षय की ओर। अक्षय भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है, भीषण गर्मी है, क्या लगता है क्या ये गर्मी कितना प्रभावित यहां पर इस चुनाव को कर सकती है? लोगों में कितना उत्साह है आज के इस दिन विशेष को देखते हुए, आज के इस उपचुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, आज लोकतंत्र के त्योहार के दिन सुबह 7 बजे से लोग मतदान करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लगभग 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 34 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है और 18 मतदान केंद्र संवेदनशील है। सुबह से ही मतदाताओं में यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है और भीषण गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे मतदाता यहाँ पे मतदान करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों के आधार पर आ रहे हैं। आप माइक में पकड़ लीजिए। हां, जो अपने विवेक से किया है और उसमें क्या है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी हावी है, अब पीला मुद्दा है वो। अक्षय, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। चलिए, दोनों आप सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ खैरागढ़ में क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बन रही है, ये सभी हमने जानने की कोशिश की है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।